तो आप देख रहे हैं आरतीय न्यूज। अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 को लेकर है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 पर क्या काम चल रहा है? विज्ञापन 2020 में आएगा या 2021 में आएगा, यह सवाल सभी के जहन में गूंज रहा है। साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर और प्राप्त हुई है अमीन की भर्ती को लेकर। अमीन की भर्ती के संबंध में ब्यौरा मांग गया है। पूरी जानकारी वीडियो में मैं आपको दूंगा। वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा, इसकी मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लेखपाल भर्ती में कुछ प्रक्रिया सबसे अलग है। आपको मेरे द्वारा बहुत पहले बताया गया था कि लेखपाल भर्ती में जो मेरिट बनती है वह डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती है। मैं राजस्व लेखपाल भर्ती की बात कर रहा हूं। मेरिट डिस्ट्रिक्ट वाइज बनने के कारण काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हो पाया है। इसी पर काम हो रहा है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती आएगी तो मेरिट स्टेट लेवल पर बनेगी, ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। या काम कंप्लीट होने के बाद, संशोधन होने के बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। या ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, परीक्षा का आयोजन हो जाए, जो भी डाटा तैयार हो, जितने अभ्यर्थी क्वालिफाइड हों उसका डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजस्व विभाग को डाटा सौंप दे कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट जारी करिए। एक ऐसा भी कार्य हो सकता है, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं कि नियम में संशोधन करके मेरिट स्टेट वाइज, मतलब स्टेट लेवल पर बनाई जाएगी। और ऐसा नहीं है कि बस्ती का कुछ और मेरिट, गोरखपुर का कुछ और मेरिट, अमेठी का कुछ और मेरिट, सुल्तानपुर का कुछ और मेरिट, जौनपुर का कुछ और मेरिट, ऐसा नहीं होगा। इस पर मंथन चल रहा, जैसे ही यह प्रक्रिया कंप्लीट होती है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों से मेरे द्वारा बोला गया है कि नवंबर दिसंबर तक का इंतजार करें, बस यही पेच फंसा हुआ है। अगर पेच समाप्त नहीं होता तो विज्ञापन भी नहीं आएगा। तो जब तक पेच नहीं समाप्त होगा तब तक विज्ञापन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो पहले जानकारी मिली थी कि नवंबर दिसंबर तक विज्ञापन जारी होगा, आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि नवंबर दिसंबर तक विज्ञापन जारी होगा। आगे अगर बदलाव होता है, कुछ चेंजिंग होता है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दूंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, प्रतिदिन वीडियो देखेंगे, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहेंगे, हम सभी का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बड़ी खबर है अमीन भर्ती को लेकर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सबूत के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिले के डीएम से बात करें, वहां से आपको जानकारी मिल सकती है, या आप तहसीलों में जाकर एसडीएम से बात करें, वहां से जानकारी मिल सकती है। अगर मेरे द्वारा बताई गई बात गलत सिद्ध होती है या आपके घर में कोई लेखपाल हो तो उसे जानकारी होगी, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर मेरे द्वारा बताई गई बात गलत है तो मैं अपने चैनल को बंद कर दूंगा, वीडियो अपलोड करना बंद कर दूंगा। मैं आपको बता दूं कि शासन के द्वारा निर्देश दिया गया है जिले के जो डीएम है उन्हें, और डीएम के द्वारा निर्देश दिया गया है तहसील में कि आपके तहसील में अमीन के कितने पद खाली हैं, कितने पद रिक्त हैं और चपरासी के कितने पद रिक्त हैं, उसका डाटा मांग गया है। डाटा जैसे ही एकत्रित किया जाएगा जिले पर भेजा जाएगा, जिले के माध्यम से डाटा शासन को भेजा जाएगा, उसके बाद अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह घा की भर्ती नहीं की जाएगी, मतलब कि चपरासी की भर्ती नहीं की जाएगी। चपरासी की जो भर्ती होगी, संभावना है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाए, और प्रबल संभावना है कि अमीन की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से परमानेंट की जाए, संभावनाएं प्रबल है। लेकिन सरकार की मंशा को मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। वैसे तो सरकार की मंशा ज़्यादातर आउटसोर्सिंग पर रहती है, संविदा पर रहती है, लेकिन जो जानकारी मिली है, अगर मेरी जानकारी गलत हो जाए तो मैं चैनल को बंद कर दूंगा। किसी में हिम्मत हो तो इस तरह से बोल के दिखाएं। आप तहसील में जाकर पता करें, अगर आपके घर में कोई लेखपाल हैं तो आप उनसे बात करें,
आपके पापा हैं, आपके भैया हैं, आपकी मम्मी हैं, कोई है, तो उनसे बात करिए, क्या ऐसी बात है डाटा मांगा गया है? तो आप तहसील से जब आपके पापा बात करेंगे, आपके भैया बात करेंगे, आपकी मम्मी बात करेंगी, तो उन्हें जानकारी मिल जाएगी कि डाटा मांगा गया है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाएगी।